अब शिक्षण मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग पिछला वीडियो देख रहे थे, अभी तक अवकल समीकरण लगभग संभवतः ये आपकी लास्ट क्लास है आज अवकल समीकरण से। तो उम्मीद करते हैं लगभग इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो भी चुके हैं और आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। आपने पिछला वीडियो देखा तो कमेंट करते रहें और बताते रहें अगर आपको कोई समस्या है तो फिर, और लाइक शेयर जरूर कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट अगला क्वेश्चन अपना लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। क्वेश्चन दिया गया है, अवकल समीकरण दी गई है एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और इसे हल करने के लिए कहा गया है। तो अवकल समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि ये डी वाई बाई डी एक्स के रूप में होगा या डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में। तो आप सिंपल जानते हैं तरीका, हमने बताया था कि वाई सिंगल है यहाँ पर, है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में होगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कोई भी इंटू में पद नहीं होना चाहिए, कोई भी पद मतलब कोई भी गुणांक या कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से यक्स को हमें हटाना है, तो पूरी समीकरण को सबसे पहला काम क्या करें, यक्स से भाग कर दें। तो यहाँ पर भाग करेंगे या लिखेंगे कि समीकरण को एक्स से भाग करने पर, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, ये डायरेक्ट कर लें से, तो यक्स से भाग करेंगे तो यक्स और यक्स कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा डी वाई बटा डी एक्स प्लस इसे भाग करेंगे तो हो जाएगा दो वाई बटा एक्स बराबर, और इसे भाग करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा तो बच जाएगा एक्स लॉग एक्स। क्लियर हुआ, एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना। तो अब हम जो हमारी मानक समीकरण होती है उससे तुलना करेंगे। मानक समीकरण है, यहाँ लिखेंगे समीकरण डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो यहां से देखेंगे p बराबर, क्योंकि p है क्या जानते हैं आप, y का गुणांक है, तो यहां पर y का गुणांक जो है, ये देखिए y का गुणांक जो है दो बटा x है, तो p बराबर हो जाएगा दो बटा x। ऐसे q बराबर होगा x log, तो यहां पर जब तुलना कर लिया तो p का मान आया है दो बटा x और q का मान आया है x log x। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दें। तो आप जानते हैं एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन जो फैक्टर होता है if बराबर हम लिखते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो इस तरह से लिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, अजीब इसलिए लगता है क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि हल हम इसे करते हैं और ये पावर में लिखा हुआ है तो उसे थोड़ा सा पद से छोटा ही लिखना पड़ता है। तो ऐसे तो नहीं कि हम इतने ई इतना बड़ा बनाएंगे उसके बाद फिर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ऐसे लिखेंगे, थोड़ा बड़ा भी नहीं लगेगा। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि जो पी है, जो पी पद हमने निकाला है, हम उसका समाकलन पहले ही कर लें। बात समझ में आई, अगर समाकलन पहले ही कर लें मतलब ऐसे कि इंटीग्रेशन पी डी एक्स बराबर ये हम मान पहले ही निकाल लें तो उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इससे करने से थोड़ा कि आसानी भी लगेगी, कंफ्यूजन भी कम होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन दो बटा एक्स डी एक्स, तो यहां से दो बाहर हो जाएगा, दो बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन बचेगा वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा दो लॉग एक्स। तो दो लॉग एक्स को हम लॉग एक्स की घात दो भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, दो लॉग एक्स को एक लॉग एक्स की घात दो। अब हम आई एफ निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, आई एफ बराबर तो ये हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ये हो जाएगा बराबर ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर। तो हमने बताया था ई की पावर लॉग के साथ जो ऊपर लिखा होगा वही उसका मान हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ, देखिए ऐसे लिखने से थोड़ा आसान भी लगने लगा, जो ये मान हमने पहले ही कर लिया इसे, तो यहां पर लिखने में भी थोड़ा आसानी लगने लगी है। तो उसके बाद अवकल समीकरण का हल, जब भी इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे तो उसके बाद अवकल समीकरण का हल निकालेंगे, देखेंगे अवकल
समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल, क्योंकि dy by dx वाली की समीकरण है, तो इसके हिसाब से अवकल समीकरण का हल क्या होगा, y into if बराबर इंटीग्रेशन q into if into dx और प्लस c। क्लियर हुआ, मान लगाएंगे तो y into if का मान है, if का मान x स्क्वायर है। क्लियर हुआ, if का मान x स्क्वायर, तो if की जगह पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन q का मान, q का मान है x log x, तो x log x और इंटू आई एफ की जगह पर फिर से एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन और ये एक्स की गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा एक्स की घात तीन और लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पर प्रथम और द्वितीय पद लगाएंगे, तो प्रथम और द्वितीय पद जानते हैं आप लोग कि लॉग का हम समाकलन नहीं कर सकते, तो लॉग एक्स को हम प्रथम पद मान लेंगे और x की घात तीन को द्वितीय पद मानेंगे। क्लियर हुआ, लॉग x को प्रथम पद और x की घात तीन को द्वितीय पद, तो यहां पर प्रथम द्वितीय लगेगा, तो ये हो जाएगा y x की घात तीन बराबर फॉर्मूला होता है प्रथम पद मतलब लॉग x इंटू द्वितीय पद का समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो x की घात तीन का समाकलन आप जानते हैं x की घात चार बटा चार होता है, फिर माइनस समाकलन ऑफ प्रथम पद का अवकलन करेंगे, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा वन अपान एक्स इंटू द्वितीय पद का फिर समाकलन करेंगे तो हो जाएगा एक्स की घात चार और बटा चार डी एक्स और प्लस सी। क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा वाई एक्स की घात तीन बराबर और इसे लिखेंगे एक बटा चार एक्स की घात चार और लॉग एक्स और माइनस, यहां से ये चार बाहर निकल जाएगा मतलब एक बटा चार बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन बचेगा क्या, एक एक्स यहां से कट जाएगा तो ये बचेगा एक्स की घात तीन डी एक्स और प्लस सी। तो ये जाएगा वाई एक्स की घात तीन बराबर एक बटा चार एक्स की घात चार लॉग एक्स माइनस एक बटा चार, फिर एक्स की घात तीन का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा एक्स की घात चार बटा चार प्लस सी। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, बस इसी को सिंपल करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वाई एक्स की घात तीन प्लस नहीं सॉरी प्लस नहीं है बराबर एक बटा चार फिर एक्स की घात चार लॉग एक्स और माइनस ये हो जाएगा एक्स की घात चार बटा सोलह और प्लस सी। तो अगर हम चाहे तो आंसर यही डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे एक्स की घात तीन से भाग कर दें तो भी हो जाएगा, एक्स की घात तीन से भाग करेंगे तो हो जाएगा वाई बराबर एक बटा चार, इसे एक्स की घात तीन से भाग करेंगे तो तीन एक्स कट जाएंगे तो एक्स की घात बचेगी एक मतलब एक्स और लॉग एक्स, माइनस इसे भाग करेंगे तो एक ये हो जाएगा एक्स बटा सोलह और प्लस यहां भाग करेंगे तो सी बटा एक्स की घात तीन होगा या उसे सी एक्स की घात माइनस तीन भी लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अवकल समीकरण का हल। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लीजिए एक बार फटाफट, नोट करते रहे, नोट हो गया होगा, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए गए इसमें के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स, उसके बाद है बराबर नहीं प्लस y माइनस एक्स प्लस y माइनस एक्स और प्लस, और प्लस दिया गया है एक्स वाई कॉट एक्स, एक्स वाई
कॉट एक्स बराबर जीरो। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हुए उन सब में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। पहले डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे ये समीकरण किस रूप में बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर कई जगह पर x भी आया और कई जगह पर y भी आया है। तो dy बटा dx या फिर dx बटा dy के रूप में बनाने के लिए हमने बताया था जो पद सिंगल होगा, आप कहेंगे सर जो बताया था जो पद सिंगल होगा उसी से लिखा जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि y जो है y वो सिंगल y है, y के साथ न घात लगी हुई है न ही इसके साथ कोई त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग किया गया। जैसे x है तो यहाँ x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ x, लेकिन यहाँ x के साथ काट लगा, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात आ गया। तो आप जो गुणांक देखते हैं p और q, उनके साथ कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात नहीं लगा होता है। क्लियर हुआ ना? p के साथ में y जैसे लगाते हैं या x लगाते हैं तो उनके साथ कोई त्रिकोणमिति अनुपात नहीं होता है। तो वैसे यहाँ पर भी तो y जो है वो हमारा सिंगल लग रहा है, तो यहाँ पर dy by dx के रूप में ही बनाएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि हम पूरी समीकरण को x से भाग करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण को x से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो यहां से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बटा dx प्लस इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा y बटा x, फिर इसको भाग करेंगे तो माइनस एक्स बटा एक्स मतलब एक हो जाएगा, और प्लस इसको भाग करेंगे तो x और x कट जाएगा तो बचेगा y cot x बराबर जीरो। क्लियर हुआ? तो अब देख रहे होंगे कि इन दो पदों में y है, कॉमन मिल जाएगा तो y कॉमन ले लें तो यहां बचेगा dy बटा dx प्लस अगर y कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहां से y निकाल दें तो बच जाएगा वन अपॉन x, और यहां से y निकाल दें तो बचेगा प्लस का cot x। क्लियर हुआ? वैसे इस वन को पक्षांतर कर दें तो बराबर एक हो जाएगा। देखिए बन रही होगी समीकरण dy by dx plus py बराबर q। क्लियर हुआ? तो समीकरण तुलना करेंगे, समीकरण dy बटा dx plus py बराबर q से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहां से p बराबर होगा, p बराबर 1 अपान x और प्लस cot x, वैसे q बराबर 1 हो जाएगा। तो अब ये सोचिए कि वैसे ही अगर हम करें कि if बराबर निकालें तो होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx होगा ना। तो अब देखिए यहां पर कितना बड़ा पद है ना, 1 अपान x प्लस cot x करके, यहां पर लिखेंगे बहुत छोटा छोटा लिखेंगे, क्योंकि जिसकी घात लगाते हैं उस पद से घात को थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा छोटा लिखेंगे तो ये इतना बड़ा पद है कि बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा तो हमें दिखाई भी नहीं देगा, है ना। तो पहले ही इंटीग्रेशन पी का समाकलन निकाल लेते, पहले ही निकाल दें, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन पी डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ये है वन अपान एक्स और प्लस कॉट एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ? तो इसका समाकलन कर ले पहले ही, तो 1 अपॉन x का समाकलन होता है log x, वैसे प्लस cot x का समाकलन होता है log sin x। क्लियर हुआ? तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है log a प्लस log b का तो होता है log ap, तो ये हो जाएगा log x sin x। क्लियर हुआ? तो अब if निकालेंगे यहां पर, अब निकालना भी थोड़ा आसान लगेगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते हैं, आई एफ बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो बराबर होगा e की पावर और इंटीग्रेशन p dx का मान हम निकाल चुके हैं जो कि, तो सीधे से लिखेंगे log x sin x। क्लियर हुआ? log x, थोड़ा सा साइन एक्स। क्लियर हुआ? तो हमने बताया था e की पावर में लॉग के साथ जो पद लिखा होता है वही उसका मान होता है, तो इसका मान हो जाएगा एक्स साइन एक्स। ये हुआ आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ बराबर। क्लियर हुआ? तो अब अवकल समीकरण का हल निकालेंगे, अवकल
समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण कहाँ लिखेंगे, तो जाएगा वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई इंटू आई एफ का जो मान है वो है एक्स साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान वन है और आई एफ का मान है एक्स साइन एक्स डी एक्स और प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे और डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर भी प्रथम और द्वितीय पद मानेंगे। तो जो कि अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम एक्स को प्रथम पद माने तो आप जानते हैं कि समाकलन करने से घातें बढ़ती जाती हैं, समाकलन से घातें बढ़ती है। तो इसलिए अगर हम यक्ष को प्रथम या द्वितीय पद मान लेंगे तो यक्ष की घातें बढ़ती जाएंगी और ये पद कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आप यहाँ पर एक्स को प्रथम पद मानेंगे और साइन एक्स को द्वितीय पद मान लेंगे, अवकलन से घात कम होती है और पद घट जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई साइन एक्स बराबर फॉर्मूला लगाएंगे प्रथम पद मतलब एक्स इंटू फिर द्वितीय पद का समाकलन, तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। क्लियर हुआ? ऐसे माइनस समाकलन ऑफ प्रथम पद का अवकलन, एक्स का अवकलन करेंगे तो वन हो जाएगा, तो वन लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है। फिर द्वितीय पद का समाकलन करेंगे या लिख लेते हैं वन इंटू द्वितीय पद का समाकलन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सी। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से होगा एक्स वाई साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स और प्लस सी। क्लियर हुआ? तो अब इसे हल कर लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा एक्स वाई साइन एक्स बराबर यह माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, तो कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स और प्लस सी। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। बहुत ज्यादा अगर कुछ करना चाहें तो अगर हम साइन एक्स से भाग भी करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स प्लस यहाँ पर वन हो जाएगा प्लस सी के बटे में साइन एक्स आएगा, तो उसे सी कॉस एक्स लिखा जा सकता है। क्योंकि ये बस यही आंसर डाल दें, यही आंसर होगा इसका। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा? तो उम्मीद करते हैं आपको अवकल समीकरण समझ में आ गई होगी। तो अवकल समीकरण आप जानते हैं बहुत, अवकल समीकरण से जो है वो 18 से 20 नंबर के लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, और सॉरी 18 से 20 भूल गए, करीब 13 से 14 नंबर की अवकल समीकरण आ जाती है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर में आता है, कभी 5 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। उसके अलावा एक आध क्वेश्चन कोट या घात के बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको ये अवकल समीकरण अच्छे से तैयार भी हो गई होगी, तो आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अवकल समीकरण के आप उसे छोड़ेंगे नहीं और अच्छा स्कोरिंग करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद क्लास।